हजरत, जो लोग यानी रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, यानी वो अपोजिशन हो, हुकूमत हो, आम मसले जमातें हो, यानी यानी इस्लाम में ऐसी कोई शरी वैल्यू नहीं है। इस हवाले से ना आप ये याद रखें कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो इरशादात और रहनुमाई है ना इस हवाले से, वो हमें याद रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्तों को रुकावट बनाने से मना किया है, मना किया और सख्त मना किया है। बल्कि ये सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्फाज सही मुस्लिम के हैं कि अल ईमान बिज़ुन व सबऊना औ बिज़ुन व सित्तूना शौबतन فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان। सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं, सही बुखारी के अंदर भी अल्फाज के कुछ कमी बेशी के साथ ये हदीस आती है और दीगर किताबों में भी है कि ईमान की 60 या 70 से زائد शाखों का जिक्र है और सबसे अव्वल नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अदना इमातुल अज़ा अन तरीक, हाँ जी, के रस्ते से, तरीक से, रस्ते से जो ना अजियत देने वाली चीज उसको हटा दें, जो परेशान करती है, रुकावट बनती है, नुकसान देती है इंसानों को, उसको दूर करना। यानी रस्ते में रुकावट पैदा नहीं करनी, रुकावट हटानी है। वो मैं यही अर्ज करने लगा था कि अहादीस और तारीख के अंदर जो ना एक वाक्य लिखा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आपने बयान फरमाया कि एक रस्ते के अंदर जो है ना गजबे में रस्ते के अंदर खैमा लगा दिया गया। और वो खैमा वाली बात तो एक अलग है ना कि एक कोई ऐसा जानवर आ गया, और बाज रिवायतों के अंदर आता है ये एक और वाक्य है कि रस्ते के अंदर वो ऐसा झाड़ियां आ गई, ऐसे दरख्त आ गए जो रस्ते के ऊपर झुक गए, गिर गए, हाँ जी, जिससे चलने वालों के लिए मुश्किल पैदा हो गई। बेशक और किसी आदमी ने ना ये देखते हुए कि ये राह गुजरों के लिए, मुसाफिरों के लिए जो है तकलीफ का बायस है, रुकावट बन रही है, उन्हें आजमाइश का जो ना वो शिकार कर रही है, तो उसने वो दरख्त पीछे कर दिया, उसको हटा दिया, रास्ता साफ कर दिया। और हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शकर अल्लाह, उसकी इतनी कदर की, इतनी कदर की गफर अदा हो, उसको माफ ही कर दिया, यानी उसको अल्लाह ताला ने बख्श दिया। दूसरे लफ्जों में कह ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नत अता कर, ये रहे निजात प्रोग्राम है, उसको निजात मिल गई। यानी निजात के लिए जो ना एक तरीका ये है कि रस्तों को साफ करना गुजरने वालों के लिए, बल्कि जो रस्तों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से जो ना वो रुकावटें खड़ा करता है, अजियत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। बेशक, हाँ जी, उनमें से मुझे याद आया कि एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तकुल्लाअनैन, कि दो ऐसे अफ़ालो आमाल से अपने आप को बचाओ जो लानत का बायस बनने वाले हैं, यानी जिनके जरिए से इंसान मलऊन होता है। और लानती का मतलब क्या होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, धुतकार दिया गया। बेशक, और वो क्या है, वो दो कौन से काम है जो लानत का बायस बनते हैं इंसान के लिए, उनमें से एक फरमाया कि अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास, अल्लाह कि एक वो काम है कि इंसान जो है ना लोगों के रस्ते के अंदर बैठ कर जो है ना वो कज़ाए हाजत कर ले, मौलो बराज कर ले, हाँ जी, जिसकी वजह से जो है ना इंसान जो गुजर रहे हैं वहां उनको तकलीफ होगी। अल्लाह, तो फरमाया कि ये लानत का बायस है। बेशक, ये एक जुज्व बयान किया गया है, यानी अज़ियत की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। शायद ये साबित हुआ कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि मुजाहरीन के लिए एक जगह मुकर्रर करे, एक प्लान बनाए, ताकि ये चूंकि इस्लामी नजरियाती यानी इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, यहाँ आइन इस्लामी है, नजरियात इस्लामी है, ये बना इस्लाम के लिए है, यहाँ चाहे बाएं बाजू हो चाहे दाएं बाजू हो नारा इस्लामी है, यानी वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह एक जगह मुकर्रर करें, वहाँ लोग अपना प्रोटेस्ट करें, वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मजहबी जमातें हो, कोई छोटा मोटा जत्था जो भी हो, मगर यानी वो मुकम्मल रोड को कोई ग्रुप कोई विंग बंद नहीं कर सकता। दीन इस्लाम के अंदर ये तसव्वुर ही नहीं है रस्ते को जो है ना वो रोका जाए, रस्ते को बंद किया जाए, ये तसव्वुर ये हाथ में जो ये तजावजात है। देखे बाजारों में जाइए जी,
फ्रूट वालों ने रोड ब्लॉक कर रखा है, दुकानदारों ने रोड ब्लॉक कर रखे हैं। देहातों में जाए जब सीजन होता है फसलों का, वो ट्रैक्टर रोड ब्लॉक के होते हैं। ये तो पूरा सिस्टम ही बिल्कुल इस इस्लामी नजरिए के बिल्कुल खिलाफ है, और हुकूमत खामोश तमाशाई है। ये देखो ना, ये जो रसूल करीम इस्लाम के जो इरशादात और फरामीन की रोशनी में बात हो रही है ना, तो आप सिर्फ नबी नहीं थे, बेशक आप बहसीत हुक्मरान भी थे। बेशक हाँ जी, ये वो कानून और वो आईन जो है ना इस्लाम ने दिया है, और ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी इस्लाम की वो आईनी दफात हैं, वो कानूनी जो है ना वो निकात हैं। बेशक है जी, कि जिनकी बुनियाद पर किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का जो है ना वो आईन मुरतब होता है, और उस आईन की वो शिक्कें हैं। यानी ये जो कुछ भी है ना, ये रस्ते के हुकूक, ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना है जी, यानी मुस्बत और मनफी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो शक्लें हैं ना। बेशक, कि इस्लाम ने जो कहा कि ये करो और ये ना करो, है जी, ये वो शिक्के हैं इस्लाम के अंदर, कि इन शिक्कों को जो है ना मरहलावार आपने नाफज करना है। बेशक, तो उसी में से ये बात भी है, एहतजाज करने से तो इनकार नहीं है। बेशक, करना चाहिए, हक है, ये आजादी फिक्र है। बेशक, इसका इनकार को इस्लाम पे कोई कौमी डिबेट हो, कोई भी हो, असेंबली में हो, सेनेट में हो, इसके लिए कोई एक कानून वजह कर ले जाए, तरीकाकार, इससे इस्लाम की जो हदूद है वो महफूज रहे, लोग हकूक पमाल ना हो, और लोग धरना भी दे लें, प्रोटेस्ट भी कर लें, जो मर्जी करें, अपनी जो है ना वो उनको जो तकलीफ है उसकी इजहार के लिए और उसके पहुंचाने के लिए मुतल्लिका हुकाम तक अपनी आवाज पहुंचाने का ये तरीका नहीं है। जी, वो जो मुतल्लिका हुकाम है, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, लाहौर में बैठे हुए लोग हैं, कराची में बैठे हुए लोग हैं, क्योटा में बैठे हुए लोग हैं, पेशावर में बैठे हुए जो है जी सरबराहाने ममलिकत हैं, उनको क्या है इसके साथ, अवाम परेशान हो रही है। बेशक, यानी हम एहतजाज उनके खिलाफ कर रहे हैं, सोचने की बात है कि हमें इतनी समझ में नहीं आती है, कोई भी हो, कसे बाशद, कोई भी पार्टी हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी तहरीक हो, है जी, उससे गरज नहीं है, यानी समझ नहीं आ रही कि हम एहतजाज किन के खिलाफ कर रहे हैं और किन को तंग कर रहे हैं। यानी चीन के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, वो तो मौज में है, अगर वो आना चाहे ना तो उनके लिए सारे रस्ते खुल जाते हैं। बेशक, उनके लिए प्रोटोकॉल है, वो रस्ते साफ हो जाएंगे, यही एहतजाज करने वाले, करवाने वाले, ये जुल्म भी है और नाइंसाफी भी है। बिल्कुल, और जुल्म की बात और अफसोस इस बात पर है कि इनको अपने हदफ का ही नहीं पता है कि हम एहतजाज किन के खिलाफ कर रहे हैं और नुकसान किन को दे रहे हैं। बेशक, अब देखो ना कि वो उनको खाना भी उनका आ रहा है, उनकी ड्यूटी भी चल रही है, सारा कुछ उनको मिल रहा है, सहूलत भी मिल रही है, हाँ जी, और जिनके लिए जो ना ये नाम ले रहे हैं कि हम इनके हुकूक के लिए कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ियां भी खत्म हो रही हैं, मजदूरियां भी उनकी बंद हो रही हैं, और आने जाने के लिए भी परेशानी बन रही है, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए रुकावट है। बल्कि मैं तो अभी देख रहा था ये इसी तनाजुर के अंदर, तो कई ऐसे जो ना एम्बुलेंस वाले थे, वो बेचारे अपने मरीज को लेके आ रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप मुतवाजा रास्ता इख्तियार करें। यकीन है, बीमार आदमी, एक तंदुरुस्त आदमी ने गुजरना हो तो उनके, और फिर जुल्म यह कि कई कई जो है ना वो मील जो है ना वो रास्ता तब्दील करके, हाँ जी, लंबा सफर तय करके, वक्त भी और अपनी जो है ना वो परेशानी भी, जिस्मानी अजियत भी है, जहनी अजियत भी है, माली अजियत भी है, और इससे बढ़कर जहां पहुंचना है मंजिल मकसूद तक, वहां वक्त पे पहुंचा नहीं जाता, डॉक्टर के पास पहुंचा नहीं जाता, मरीज रस्ते के अंदर और मरज बढ़ जाता है, या वहां पहुंचते हुए बेशुमार मसायल। हजरत मुख्तसरन आप पांच हकूक बताए हमारे नाज़रीन को, ये पांच हकूक अल्लाह पैगंबर ने बयान किया ताकि हम जाएं खुलासे की तरफ। हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस हदीस में बयान फरमाया ना कि अगर आपने जरूरी बैठना है तो फिर फ़अअतु तरीका हक़्क़हु, इसके हक अदा करो। बेशक, वो इताए हकूक, ये वो हक अदा करने, और वो कितने हक हैं, सहाबा ने जब पूछा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाया, नंबर एक ग़ज़वुल बसर, निगाह को झुकाना, नंबर दो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कफ़ुल अज़ा, यानी अज़ियत से लोगों को जो है ना वो देने से अपने आप को रोकना, अपने आप को बाज करना, लोगों को अज़ियत नहीं देनी, अज़ियत नहीं देनी, वो अज़ियत की कोई सी भी शक्ल हो नहीं देनी, शक्ल हो। नंबर तीन फरमाया रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना,
अब ये जो बात ना सलाम का जवाब है, इतनी अजीम बात है, इतनी अजीम बात है कि जो गुजरने वाला ना उसको जब हम उसके सलाम का जवाब दे रहे हैं ना, मतलब पता क्या है कि तुम हमारी तरफ से पूरी तरह जो है ना अमन और सलामती में आ गए हो, तुमको हमने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, बेशक सलामती की हम तुमको जो है गारंटी दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं, हम तुम्हारा जामन बन रहे हैं सलामती के। तो ये है रद्दुस्सलाम। और नंबर चार फरमाया इसी हदीस के अंदर, अल अमरु बिल मारूफ, नेकी की तलकीन करनी है कि कोई गुजरने वाला देखे ना उसको कि वो कोई गलत काम कर रहा है, उसकी सलाह देनी है, अमर बिल मारूफ जी। और वैसे ही अगर वो नेकी का वक्त हो ना, तो वो बंदा गुजर रहा हो तो उसको कहे भाई ये नेकी की बात है, ये वक्त है, तुमने ये करना है, तलकीन करनी है मारूफ की। नंबर पांच फरमाया वन्नहयु अनिल मुनकर, मुनकर से अगर हम उनको देखें को रस्ते में गुजर रहे हैं और कोई मुनकर, कोई ऐसा अमल कर रहे हैं, गैर शरई हो, गैर शरई हो, गैर अखलाकी हो, हाँ जी, हमारे मुआशरे के अदब अदाब के जो है ना मुनाफी हो, हमारे रवैया के खिलाफ हो, हाँ जी, बिल्कुल उससे जो है ना उनको अच्छे सलीके और तरीके के साथ रोकना चाहिए। ये इस हदीस के अंदर ये पांच हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये सही बुखारी के अंदर। मुख्तसरन टाइम खत्म हो गया है, दो मिनट में ना जो खुलासा है रास्ते के हुकूक का वो प्लीज बयान कर। हाँ, ये जैसे मैंने ये बताया ना कि इस हदीस के अंदर पांच हुकूक बयान किए गए हैं और वो मैंने जिक्र किए हैं, इनके अलावा भी अगर हम देखें ना मुख्तलिफ गौर करें अहादीस के ऊपर नजर करें, उन अहादीस को हम जमा करें, तो हमें इसके अलावा बहुत सारे हुकूक मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिन्हें हम जी नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं है कि आया ये भी हमारा हक है। बेशक ये जिस रास्ते में हम बैठे हुए हैं, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, हाँ जी, उस रास्ते के अंदर हमारा ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस रास्ते का ये हक है, गुजरने वालों का ये हक है। तो हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने ना फतहुल बारी के अंदर लिखा है कि मैंने मुख्तलिफ अहादीस को इस हवाले से जो है ना वो देखा, जमा किया, तो मुझे जो है ना वो 14 हुकूक मिले हैं। सुभानअल्लाह। मैंने वो उनकी ये इबारत पढ़ी और उसके हवाले से तो आपका जो है ना पैगाम भी बहुत शार्प था कि मुझे 4:30 बजे आपने फोन किया कि रस्ते के हुकूक के हवाले से कोई गुफ्तगु करनी है, तो मैंने फौरन जो है ना वो देखा, तो उसके बाद 5:30 बजे हमारी ये प्रोग्राम था, यानी तो मैंने उसको भी देखा और फिर मैंने मजीद जो है ना थोड़ा सा गौर किया तो मुझे कई और हुकूक मिले हैं और इसके अलावा भी हुकूक हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसर जो है ना उनके सिर्फ अल्फाज ही जिक्र कर देता हूँ जो मुख्तलिफ अहादीस के अंदर हैं। बेशक पांच तो वो हुकूक हैं जो पहले मैंने अर्ज किए हैं, इसके अलावा हक नंबर 6 जो है ना वो अबू दाऊद के अंदर आता है, इरशाद उस सबील का मतलब होता है कि जो रस्ते के अंदर जाने वाला ना उसकी रहनुमाई करना। बेशक यानी रस्ते में बैठने वाला जो है ना या खड़ा होने वाला वो रहबर है, वो रहनुमा है, वो रहनुमाई करेगा, इरशाद उस सबील। और नंबर 7 ये भी अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, फरमाया तुगीसुल मलहूफ, अल मलहूफ इंसान जो है ना उसकी इगासत करनी है, उसकी मदद करनी है। अल मलहूफ किसको कहते हैं? मलहूफ का मतलब होता है सितम रसीदा, मलहूफ कहते हैं मजलूम इंसान, सताया हुआ इंसान, मजबूर इंसान, उसकी मदद करनी है, ना ही है कि उसको और सताना है रस्ते के अंदर, जिस तरह हमारी जो ना हुकूमतें करते जमातें करती हैं, हुकूमतें जमातें तंजीमें जो भी कोई ग्रुप है वो करते हैं जी, सताए हुओं को और सताते हैं, हालांकि रस्ते के अंदर तो सताए हुओं की मदद करनी है, ये तुगीसुल मलहूफ। और फिर रस्ते का एक हक नंबर 8 ये भी है, तहदुज़ाल, जो रस्ते में जा रहा है वो रास्ता भूल गया है, उसको पता नहीं चल रहा कि मैंने फलां अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो ये 2-3 रस्ते हैं, अब मैंने इधर से जाना है या इधर से जाना है, हाँ जी, तो जो रस्ते के अंदर मौजूद है ना वो उस भूले हुए शख्स की रहनुमाई करें, दुरुस्त रहनुमाई करें, उसको बताएं कि भाई तुम्हारी मंजिल जो है वो इस तरफ से, हाँ जी, आ जाएगी। अल्लाह। और नंबर जी 9 अरशिदुस्साइल, अल्लाह, हाँ जी, ये मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर ये अल्फाज भी आते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरशिदुस्साइल, अगर आपसे कोई सवाल करता है ना तो उस सवाल करने वाले के लिए आप मुर्शिद बन जाएं,
یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کی رہنمائی کرے. اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر یہ جو نا وہ حقوق مزید ذکر کیے ہیں. حسن الکلام, گفتار اچھی ہو, اچھی بات ہونی چاہیے, یعنی مطلب ہے کہ غصے کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے, تلخ لہجہ جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کہ یار تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, میں تمہیں بتا رہا ہوں, اگر تمہیں نہیں پتا تھا تو تم گھر سے نہ نکلتے. ایسی باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں, ایسی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے. پھر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو, یعنی نہیں. اور میں حسن الکلام, یعنی یہ مسلمان کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے, اسلام نے رہنمائی کیا فرمائی ہے, ہاں جی, یہ ہمارے ماحول کے اندر ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت. حسن الکلام, اچھا کلام, اور یہ اچھا کلام جو ہوتا ہے نا, حسن کلام, اللہ اکبر کبیرہ, اسے ایمان قرار دیا ہے, حسن کلام کو ایمان قرار دیا ہے. وہ کتنی مشہور حدیث ہے کہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. او حسن کلام نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ, بے شک یہ رستے کا حق ہے حسن کلام, راہ گزروں کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے, ان کے اوپر آوازیں نہیں کسنی چاہیے, بے شک دو چار دس بیس لوگ جمع ہو جائیں, جتھا بن جائے, جلوس بنا لیں, اور ایک بندہ وہاں سے گزر رہا ہو, یعنی وہ کہے کہ بھائی میں نے یہاں سے گزرنا ہے, تو سارے مل کے اس کو گالی گلوچ کر دیں, کہے کہ ہمیں کون روکنے والا ہے, ہم تو زیادہ تعداد میں ہیں. حسن کلام یہ بھی باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ رستہ. ارشاد ابن السبیل, ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو, وہ اتنا لاچار ہوتا ہے بیچارہ, وہ خواب کتنا ہی مالدار کیوں نہ, یاد رکھنا ابن السبیل جو مسافر ہوتا ہے نا, وہ کتنا مالدار بھی کیوں نہ ہو نا, تو جہاں جب سفر کے اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا دین اسلام نے زکات کا ایک مصرف اس کو بنا دیا ابن السبیل کو, یعنی آپ اسے اس کی مدد کر سکتے, مدد کریں, صدقہ دے سکتے, ہاں زکات. تو یہ ہے کہ ابن السبیل مسافر آدمی جو ہے نا, اس کے لیے آپ نے جی مرشد بننا ہے, اس کی رہنمائی کرنی ہے. یہ شاید بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ سفر کر رہے ہوں, سم ٹائم پیسے نہیں ہوتے, ہاں پیٹرول ختم ہو سکتا ہے, بالکل, یا راستے میں آپ کی کوئی چور آپ کی جیب کاٹ لیتا ہے, پھر آپ کو پیسے نہیں تو پڑ سکتی ہے, یعنی کہ اس کی دل جوئی ہونی چاہیے. اچھا یہ میں نے, دل جوئی نیکی ہے, خیر ہے, یہ صدقہ ہے. اچھا بھائی میں نے یہ بات دیکھی ہے, یقین جانیے گا, معذرت ہمارے اپنے سامعین سے کہ میں نے جو ہے نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم نے جو دیکھا ہے نا معاشرے کے اندر جو داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں نا, بے شک شاید یہ کسی کو اچھی لگے نہ لگے, داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر دین کی محبت ہوتی ہے, دین کی جو ہے نا وہ ایک ترویج کا, نشر و اشاعت کا جذبہ ہوتا ہے نا, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ راستوں کے اندر جو ہے نا, اگر کوئی بندہ مجبور ہو جاتا ہے نا اس طرح کا, جس طرح آپ نے کہا کہ پٹرول ختم ہو گیا ہے, تو میں ایک جگہ جو ہے نا, میں اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ, میں چند دن پہلے جو ہے نا ایک سفر میں تھا یا شہر کے اندر ہی موٹر سائیکل پہ, تو میرا گاڑی کا پیٹرول ختم ہو, تو وہاں قریب کے بھی نہیں تھا کوئی پیٹرول کا بھی انتظام, اللہ جزائے خیر دے, اسی علاقے کے ایک معروف عالم دین ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہاں جی, اسی حلقہ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ, یہ تنظیمی حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے, اس کے وہ امیر حضرت حافظ محمد عثمان عیسیٰ, انہوں نے خود جو ہے نا وہ کہیں سے چلتے پھرتے جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر ایک پلاسٹک کی بوتل لی, اور وہاں سے اپنی گاڑی میں سے پٹرول نکال کر جو ہے نا میرے روکتے روکتے کافی زیادہ وہ میری موٹر سائیکل میں نا جو ڈال دیا. میں نے ان کا ذکر خاص اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں, بہت خیر کا جذبہ رکھتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو بات ہو رہی تھی کہ رستے کے اندر مسافر کے لیے جو نا وہ سہولت مہیا کرنی, اور اس کے حوالے سے آپ نے کہہ دیا کہ اگر کسی کی گاڑی کا پٹرول ختم ہوتا ہے تو مجھے یہ واقعہ یاد آئے. اچھا تو یہ تھے 11 نمبر حق. 12 نمبر حق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ تشمیت العاطس اذا حمیدہ, کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں رستے کے اندر کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو وہ اگر اس کو چھینک آ جاتی ہے اور چھینک کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو فرمایا کہ اس کا جواب دو, یرحمک اللہ کہو, ثواب بھی مل جائے گا, اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چھینک لینے والا جو ہے جس نے الحمدللہ کہا یہ مسلمان ہے, اور اس کے لیے دعائے ترحم فرمانی ہے کہ یرحمک اللہ کہنا ہے. یہ 12واں حق ہے. اور 13واں حق ہے ارشاد الزال, ہاں جی, کہ ایک انسان جو ہے نا وہ دینی حوالے سے گم ہو جاتا ہے,
को दीनी हवाले से वो गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहा है या दुनियावी हवाले से किसी भी एतबार से कर, हाँ, किसी कर रहा है, फरमाया कि उसकी रहनुमाई आपने करनी है। नंबर 14 फरमाया कि उहदुस सबील, ये अल्फाज भी हदीस के अंदर आते हैं कि रास्ते वालों की हिदायत का बायस बनना है आप। नंबर 15 फरमाया उईनुल मजलूम, मजलूम आदमी जो है ना उसकी इआनत करनी है, उसकी उसका मुआविन बनना है। और नंबर 16 ये भी फरमाया कि अफशु सलाम, सलाम कहना, सलाम को आम करना है, सलाम कहना है। और नंबर 17 जो है फरमाया अईनु अलल हमूलाती, अगर आपको कोई नजर आ रहा है ना कि जिसके पास कोई सामान है और वजनी है उससे उठाया नहीं जा रहा, फरमाया कि आप आगे होकर जो है ना उसका सामान जो है ना उसके कंधों पर जो है ना उसके लिए उठा दो। और नंबर 18 फरमाया जिक्रुल्लाह कसीरा, वहां बैठ के फजूल गोई नहीं करनी है, लगव बातें नहीं करनी, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना है। और नंबर 19 फरमाया कि उहदुल अखबिया, जो कुंद जेन है जिनका जेन थोड़ा है, जेन या जेनी तवाज़ुन नहीं ठीक है, तो हमारे मुआशरे के अंदर क्या आता है, तंज करना, मज़ाक करना, बता क्या करते हैं, उनको छेड़ते हैं जी, और फिर जहर बात है जेनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो वो गाली गलौज करता है और हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तमाशा। फिर मैं कहता नहीं, उहदुल अखबिया, जो कुंद जेन है, थोड़ा जेन है जिनका, या जेनी तवाज़ुन जो है ना वो काम नहीं सही कर रहा है, तो फरमाया कि उनके साथ हुस्ने सलूक का मामला करना है। नंबर 20 फरमाया इमातुल अज़ा, और अबू दाऊद के अंदर एक हदीस के अंदर था इमातुल अज़्म, हड्डी को दूर करना है। और इससे मैं ये अखज़ करता हूँ, हड्डी जो ना ये चुभ जाती है, तो कोई भी कांटा हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो ना, और मैं उसको हटा देना है। तो बहरहाल ये मैंने 20-21 आपके सामने रखे हैं, और भी कुछ आते हैं फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो बातें होंगी। तो नाज़रीन ये एक बहुत अहम मसला है, रास्तों के हुकूक, ये हमेशा प्रोटेस्ट अपोजिशन कर रही हो या हुकूमत कर रही हो या मजहबी जमातें कर रही हो या तुलबा कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। देखा जाएगा इस्लाम की रोशनी में रास्ते के हुकूक क्या हैं, हमें हर सूरत में बाहर सूरत पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। आज का यह प्रोग्राम खालस इस्लामी था, किसी एक रोग नीति नहीं था, लिहाजा हमें रास्ते हकूक का ख्याल रखना चाहिए और रास्ते कुशादा करना चाहिए, ना के बंद करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेर असलम।